हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली जिले के अंदर दीपावली के त्योहार को देखते हुए मिलावट चोरों के खिलाफ रसद विभाग की ओर से रोजाना कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत शुक्रवार को भी कई मिठाई विक्रेताओं के यहाँ नकली मावे के संदेह में छापेमारी की गई है। खाद्य निरीक्षक दिलीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि लोगों की शिकायत के बाद शुक्रवार को कलेक्ट्रेट व बांगड़ अस्पताल सहित एक मिठाई विक्रेता के यहाँ नकली मावे के संदेह में छापेमारी कर मिठाई व मावे के सैंपल लिए हैं। कार्यवाही के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। खाद्य निरीक्षक ने बताया कि दीपावली के सीजन में लोगों को शुद्ध मावे की मिठाई मिले उसको लेकर कार्यवाही की जा रही है। अभी तक रसगुल्ले का लिया है, एक कलाकंद का लिया है और अभी ले रहे हो। रात के लिए 200 रुपये भेजेंगे इनको, जो भी कार्रवाई होगी उसको काटने की होगी। और आगे भी जाएंगे सर? और आगे भी जाएंगे सर, हाँ मिलेंगे। और दीपावली तक चलेगा अभियान। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।